बस मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, श्वास तो सीधे आ नहीं सकते जब तक आपका सीधा हो, बिल्कुल तना हुआ हो। देवदारू के पेड़ों को देवता खा गया है, देवता इसलिए कहा गया बहुत ऊंचाई पर उनका पूरा वक्षस्थल खुला होता है, तेजी के साथ उठा हुआ होता है, निढाल मुर्दे की तरह नहीं बैठते वो। तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे,
आपको जीवन ही सौंप दिया तो डर क्या हो गया। पूर्णावती का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में पहले पूर्णावती को समझें। पूर्णावती का मतलब है कि हम सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्ति के लिए उन मंत्रों का उच्चारण करें जिन मंत्रों के माध्यम से मार्कंडेय ने आहुतियां दिलवाई थी और पूर्णता प्राप्त की थी। और पूर्णता का मतलब है कि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करें। आहुति का तात्पर्य आहूत, आहूत माने बुलाना। हम इन मंत्रों के माध्यम से उन समस्त देवताओं का आह्वान करें, बुलाएं, जिनके माध्यम से हमें अपने जीवन में सुख और सौभाग्य और संपन्नता ऐश्वर्य और श्री मिले। कल मैंने शाम के प्रवचन में आपको ये बात कही थी कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और आनंददायक क्षण वो होता है जब हम अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देते हैं। और मैंने इन प्रवचन में आपको यही समझाया कि आपके और भगवती जगदम्बा के बीच में एक कड़ी है, गुरु है, जो अपने आप को जिसके हाथ में अपने हाथ सौंप देते हैं। पंडित एंडरसन ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब घोर अंधकार जीवन में छा जाए, कुछ दिखाई नहीं दे कि अब इस विपत्ति में, इस परेशानी में, बाधा में क्या होगा, तब चुपचाप अपना हाथ उस अंधेरे में भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। जिंदगी में सातों से ज्यादा विपत्तियां, ज्यादा बाधाएं, ज्यादा अड़चने, ज्यादा कठिनाइयां मेरी जिंदगी में आई है। ऐसा कई बार हुआ है कि घोर अंधकार गिर गया है और कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि अब अगले क्षण क्या होगा। तभी जिंदगी में न विचलित हुआ, न इस बात की परवाह की कि अगले क्षण क्या होगा। और तुम्हें भी मैं वैसा ही एक गुरु के नाते उस अर्थ में आपको मंत्रों के माध्यम से साथ हूँ, शरीर के साथ में माध्यम से साथ हूँ, जीवन के चिंतन के माध्यम से साथ हूँ, मार्गदर्शक हूँ। कहीं पर भी आवाज है तो मैं दौड़ के आने के लिए तैयार हूँ। आप, मैं खड़ा हूँ, कहीं भी आएंगे तो मैं आपके पास हूँ। मैं तो जिंदगी में शायद मेरी अपेक्षा आप ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आप ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आप अपने गुरु के पास में हैं। मैं भी चाहता हूं कि सारा तामझाम छोड़ दूं। कई बार चाहता हूं कि ये सब कुछ नहीं है इस जीवन में। जो कुछ मुझे करना था मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, जो कुछ करना है वो हो जाएगा। कोई मगर फिर भी एक स्नेह का बंधन आपके मेरे बीच में है। ये ऐसा बंधन है जो मैं उदास होता हूं तो आपकी आंखों में झरझर आंसू बहने लग जाते हैं और मैं रस्सियों को, जंजीरों को तो तोड़ सकता हूं पर आपके आंसुओं की जंजीर को नहीं तोड़ सकता। वो संभव नहीं मेरे लिए। और मैं और ज्यादा व्यथित हो जाता हूं कि मैं किस तरीके से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं, क्या तरीका करूं। अगर मैं अपने आप को लुटा करके भी और अपने आप को सब कुछ देकर के भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं तो मेरे जिंदगी का भी बहुत बड़ा एक स्वर्णिम क्षण होगा। ऐसा ही चिंतन आपके प्रति रहता है, हर क्षण ऐसा चिंतन रहता है, हर क्षण ऐसा विचार। कभी मैं आपसे अलग तो हो ही नहीं सकता, न सन्यासी शिष्यों से अलग हुआ। आज भी रात्रि को साधना काल में निश्चय ही मैं उनके पास जाता ही हूं, उनका दुख दर्द सुनता हूं, तकलीफ सुनता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं, साधना से समस्याओं का समाधान करता हूं। और वे भी उतने ही व्यथित हैं, उनकी आंखों में भी वैसे ही आंसू हैं जैसे आपकी आंखों में आंसू हैं।